भगवान का एक नाम है आत्मा राम, भागवत में है आत्मा रामो गरी रमत। आत्मा राम हो करके भी भगवान ने गोपियों से रमण किया। मैंने बहुत बात समझाया कि भगवान और महापुरुष योग माया से काम करते हैं, इसलिए काम क्रोध लोभ मोह का काम करते हुए भी उससे परे रहते, अछूते रहते, इनका अधिकार के ऊपर नहीं होता, तो इसलिए उनका नाम आत्मा राम रहता है। वेद में एक कथा है, गोपियों को जमुना पार जाना था व्रत के पारायण के लिए दुर्वासा के पास, भगवान के पास गई कि महाराज रात को नाव नहीं मिल रही है, क्या करें कैसे जाए। भगवान ने कहा जाओ यमुना से कह देना कि अगर तुझे कृष्णाखंड ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दे, यमुना सूख जाए, पुल का पुल बन जाए। सब गोपियां हंसने लगी कि तुम कोई ब्रह्मचारी बने, लेकिन चलो कह देते हैं क्या करता है। कहा मार्ग मिल गया दुर्वासा के पास के, दुर्वासा को तमाम हलवा पूरी खिलाया, हजारों गोपियों सब खा गए दुर्वासा। फिर दुर्वासा से कहा महाराज जमुना पार करके जा, उन्होंने कहा जमुना से कह देना दुर्वासा अगर धूप के सिवा कुछ न खाए हो कभी तो जमुना मार्ग दे। फिर गोपियां हंसने लगी, हजारों किलो तो खा गए हलवा पूरी हमारे आंख के सामने, वो कहती है तू वही खाए, और फिर जमुना ने मार दे दिया। तो भगवान के पास गई और कहा महाराज तुम्हारी बात दुर्वासा की दोनों गप है, लेकिन जमुना भी वैसे ही झूठ हो गई। भगवान ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग माया से काम करते हैं, इसलिए कर्मों से अछूते रहते हैं। तो महाराज आप आत्मा राम है और ये मेरी आत्मा भी तो आप ही की है, आप कांश है तो इसमें भी रमण करो ना, आप आत्मा में रमण करते हैं, गोपियों में रमण करते हैं छोड़ो, आत्मा में रमण करते हैं ये तो मानोगे, तो मैं भी आपकी आत्मा हूँ अंश हूँ, मेरे में रमण करो बस मेरा काम बन जा। तो है आत्मा राम गोविंद राधे, मेरी आत्मा की तेरी रमण कराधे। भिखारी बना ना आनंद मांगा,
अभी तो है। अरे दुख नहीं चाहिए, आनंद दो। उसके बाद माँ से रोया, बाप से रोया, शादी हुई बीवी से रोया, पति से रोया, बच्चे हुए बच्चों से रोया, पड़ोसी से रोया, सब जगह भीख मांगता फिर रहा है। और मुझसे ये बोलता है, मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जैसे पूरा पागल बोले, आधा पागल बोले। अरे जो काम क्रोध लोभ का गुलाम है 24 घंटे, वो क्या आकर दिखा रहा है मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कामार्थ हुआ तो स्त्री पति के आगे हाथ फैलाया, भूखा हुआ अन्नदाता के आगे हाथ फैलाया, प्यासा हुआ पानी वाले से पानी मांगा। 24 घंटे तो हम भिखारी बने, कब से हम बड़े सहसा हो गए। तो महाराज आपके समान दाता नहीं, मेरे समान भिखारी नहीं, बढ़िया मानक बन गया, आप दान दे दो, मैं ले लू। बात कर गई बात जैसा तार में बिजली जा रही है, उसके पास हाथ किया, कोई डर नहीं।
संतन करो तो भक्ति वैराग्य ज्ञान सब अपने आप हो जाएंगे। उनको सोचो मत कब होंगे कैसे होंगे। जैसे खाना खाते हो तो खाने का रस रक्त मान बेटा हड्डी मज्जा वीर्य ये सब क्रम से अपने आप बनते जाते हैं। तुमको पता भी नहीं क्या क्या बन रहा है कैसे कैसे बन रहा है शरीर के अंदर। तुमको अपनी भूख शांत करने के लिए खाओ भोजन करिए फिर हिट लागी वो फिर पेट में क्या करके क्या क्या होगा ये सब भगवान का कार्य है वो कराएंगे। वो सब तुमको अपने आप लाभ मिल जाएगा। उसी प्रकार तुम वास्तविक सत्ता के पास से करो तो उसके बाद जितना भी ज्ञान वैराग्य वगैरह है अपने आप होता रहेगा। संग मन से आप लोग बोलते हैं गुरुओं से शरणागति कैसे की जाए। बार 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 सुबह शरणागति शरणागति को बोल देता है। ये शरणागति क्या बनाए तो परिभाषा करते हैं शास्त्रकार कि अनुकूल ही चिंतन करो। हरि गुरु दो ही के शरण में जाना है तीसरा कोई नहीं। हरि गुरु वो हरि को सामने मिलेगा नहीं गुरु मिलता है। जो शरणागत को होना है वो गुरु के हरि से होना है। उसका तात्पर्य उसके लिए कभी मत सोचो समर्थ या सर्वदेव उसको मनुष्य मत मानो उसकी बॉडी मत देखो उसके भीतर घुसो उसके भीतर भगवान गवर्न कर रहे हैं। उससे तुमको लाभ लेना है। वो लगड़ा है गुंडा है कुबड़ा है इससे मतलब नहीं है। अष्टावक्र एक महापुरुष थे जनक की सभा में गए वहां बड़े बड़े विद्वान बैठे थे सब हंसने लगे। आठ जगह से टेढ़े एक जगह से टेढ़े को देख कर ही लोग हंसते हैं। वो आठ जगह से टेढ़े बताओ कैसी शकल रही होगी सोचो। तो सब बड़े बड़े विद्वान जो उनकी सभा में बैठे थे हंसने लगे। वो अष्टावक्र ने डांटा जनक तेरी सभा में सब चमार बैठे चमार। जनक हंसने लगे और समझ गए तो परमहंस थे। उन्होंने पूछा महाराज आप चमार कैसे कह रहे हैं इतने बड़े बड़े विद्वानों ये शास्त्र वेद के विद्वान निगाह इन लोगों में लोग चमड़ा देखते हैं चमड़ा। मैं आठ जगह से टेढ़ा हूं अंदर घुसो आओ जिसकी हिम्मत हो शास्त्र वेद में बात करो। शास्त्र वेद के भी लोग कांपते थे अष्टावक्र से किसी की हिम्मत में शरीर देखते हम पड़े। उसी प्रकार शरीर मत देखो मन बुद्धि प्राण आत्मा जो उसके भीतर है दिव्य दिव्य वस्तुए उनको देखो उनके विपरीत न सोचो। नहीं तो नाम अपराध हो जाएगा फिर भगवान का भयंकर रूप होगा फिर तुम रोते रहो हरे राम कह के भगवान नहीं सुनने वाले। Oh,
होता है। एक तो सुनकर, सुनना बंद करो, भगवान के खिलाफ कोई बोल रहा हो, उसके खिलाफ कोई बोल रहा हो, तत्र कर्तव्य विधा कर्तव्य गंतव्यम दान को न्यता। तुलसीदास जी ने तो कहा काटी ये जीव, ऐसा बंद करना उसकी जीव काट लो, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वहां से हट जा, अगर वो तुमसे बड़ा है और छोटा है तो डांट लो, खबरदार आगे शब्द नहीं बोलना, गेट आउट। तो सुने ना, एक कारण पढ़ना, दूसरा कारण, और अगर दोनों से बच गया तो सोचना, तीसरा कारण। ये तीनों कारण समाप्त करो, तब जो कमाए हो बचा रहेगा। नहीं तो 100 रुपए कमाया, 200 खर्चा किया, साल भर में हिसाब लगाया तो 2 करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा हो गया। हाँ, दीदी हरि हर एक राज्यपाल है, गवर्नर है, एक ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर है। ये सब भगवान के द्वार के भिखारी, राधा कृष्ण के द्वार के भिखारी, उसका प्रेम मांगते। जब ये नहीं दे सकते कुछ, तो देवता मनुष्य क्या देगा? मांग मांग के आप भले ही खिलवा ले, वो देगा क्या जब है ही नहीं उसके पास? दिव्यानंद प्रेमानंद, ये तो भगवान और महापुरुष के पास है। ब्रह्मा विष्णु भी उसी के दरवाजे से धनी बने हैं। देवता लोग तो बेचारे निर्धन है, कीड़े पुण्य मर्द लोकम विसंति, पुण्य क्षीण हो गया तो वो इंद्र भी समाप्त हो जाता है, 100 वर्ष के लिए बनता है इंद्र। मान लिया हमारी 6 महीने का उनका दिन होता है, हमारे 6 महीने का उनकी रात होती है, लेकिन एक दिन समाप्त हो जाता है। Hari Hari भगवान की बात, उसकी क्रिया, महापुरुष की बात, उसकी क्रिया, वही जाने। जीव की बुद्धि माइक है, उसको नहीं कमर सकती। जैसे माँ बाप से बच्चा पैदा होता है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन 5 बरस के बच्चे से पूछो, जो जी तुम माँ के भी बच्चे हो, बाप के भी बच्चे हो, ऐसा कैसे? तो कहेगा कहते क्या, तो मम्मी भी कहती है बेटा, बेटी भी कहते हैं बेटा। अरे कहते की बात छोड़ो बेटा, ये बताओ कि ये कहते कैसे, कहते क्या? मैं कहता हूं बस, बेचारा जानते नहीं जो कि काम दोष से अपरिचित है, इसलिए वो बता ही नहीं सकता, बोध उसको हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार भगवान महापुरुष ये जो बड़े बड़े गलत काम करते हैं, क्रोध वगैरह, मर्डर वगैरह, और 16,108 शादियां, एक एक स्त्री से 10-10 बच्चे, और मूल काम है आत्माराम है, ये कैसे हम लोग सोचे मीटिंग करें? कैसे? ये तो शादी पॉसिबल है, बच्चा पैदा हो रहा है, काम देखिए, करोड़ों मर्डर कर रहे हैं अब, और सब जगह कृष्ण को देख रहे हैं, एक बात पॉसिबल है? हम तो जरा सा चिंता करते हैं कि कहीं भगवान भगवान गायब हो जाता है। हम जो करते हैं वही ठीक है, अंतिम है, हम तो माया बन गए, अपने
तो भगवान की बातें भगवान ही जाने। महापुरुष की बात महापुरुष ही जाने। वहां बुद्धि नहीं लगाना है। भगवान किसको कब उठा दे किसको कब गिरा दे अपराध करने पर, ये वही जान सकते हैं। तत्व अजामिल चारों वेद का विद्वान तत्पज्ञ जितेंद्रिय था, यहां तक लिखा हुआ है भागवत में, दांता दांत शब्द लिखा है जितेंद्रिय था। और एक क्षण के प्रसंग ने उनको घोर पाप आत्मा बना दिया। एक क्षण के प्रसंग, और हम लोग दावा करें जी हम तो शास्त्र वेद के ज्ञाता हो गए, हमारे गुरु जी ने हमें ज्ञान दिया है। अरे अहंकार तो चलो ये थ्योरेटिकल ज्ञान खत्म हो जाएगा एक सेकंड में। प्रैक्टिकल पहले बन जाओ, पहले दूध को दही बनाओ, दही से मक्खन निकालो, फिर पानी में छोड़ दो, चैलेंज कर दो। और पहले ही दूध को पानी में छोड़ दोगे तो मिल जाएगा। महापुरुष बन जाओ फिर माया को चैलेंज करो, उसके पहले नहीं करना। अच्छा ना दे तो भी अच्छा है।